बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज ये एक टैलेंट है जो कि कदर करनी चाहिए ऐसे टैलेंट की। मैं अभी अपने घर से टेरेस पे से देख रही थी तो ये इतनी अच्छी फ्लूट बजा रहे हैं बंसरी, और इस पे जो है इन्होंने नातें भी सुना रहे थे और कुछ ये बता रहे हैं, कव्वालियाँ भी हैं। तो चलें पहले इनसे पूछते हैं कि ये कहाँ के रहने वाले हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आप बताइएगा ज़रा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कश्मीर का रहने वाला। ज़रा ज़ोर से बोलिएगा। कश्मीर का रहने वाला। अच्छा, कश्मीर से आए हैं आप? अच्छा, कब से आए हैं कराची में? ये थोड़ा टाइम हुआ मुझे। अच्छा, तो यहाँ आपको कोई नौकरी वगैरह नहीं मिल रही, नौकरी के लिए आए? हाँ, नौकरी नहीं मिल रही। मैं आया था, मेरा जेब काट लिया था, लाइसेंस शिनाख्ती कार्ड सब ले लिया था किसी ने काट के। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने शिनाख्ती कार्ड बना के लर्निंग लाइसेंस मैंने बनवाया। अच्छा, थोड़ा जोर से बोलिएगा। अच्छा ठीक है, शिनाख्ती कार्ड बनवा के मैंने लर्निंग लाइसेंस बनवाया। अच्छा, तो अभी लर्निंग पे तो कोई ड्यूटी देता नहीं वैसे। अच्छा, आपको नौकरी नहीं देता कोई? अच्छा अच्छा, ड्राइवर। अच्छा, तो फिर आप ये बंसरी बजाने लगे, तो ये आपको कब से बजानी आती है? ये मुझे बहुत 30 साल हो गए। 30 साल से आप अपने वहाँ कश्मीर में गांव में ही बजा रहे थे? तो कश्मीर कौन सा, ये हमारा यहीं का? अब यहीं का, पाकिस्तान का? पाकिस्तान। अच्छा अच्छा, तो आपकी फैमिली भी आई हुई है आपका, मतलब घर वाले? अच्छा, घर वालों को वहीं छोड़ गए हैं आप तो? अच्छा, तो आप मतलब घर जा नहीं सक रहे हैं? बस मजबूरियाँ हैं, कुछ घर जा नहीं सकता हूं। मतलब वही जो आपका वो वो मसला हो गया था। तो चलें, खैर अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह आपके साथ। तो बहरहाल अभी तुम आप मुझे ना ज़रा ये अपनी बंसरी बजा के दिखाइएगा। लोग बहुत से देखेंगे आपको, पूरी दुनिया में देखेंगे, हो सकता है आपकी कोई मदद कर दे। तो ये दोस्तों मैं ख़ास तौर से इसलिए भी कर रही हूँ कि इस तरह के लोग होते हैं, इतने टैलेंटेड लोग होते हैं, और देखें ये बेचारे किस तरह से जो है यहाँ पर फंस गए हैं। अल्लाह खैर इनकी मुश्किल आसान करे। तो बहरहाल खैर मैं आपको इनका टैलेंट दिखाती हूँ। जी बिस्मिल्लाह करें। जी आप दूसरा सुना रहे हैं? जी मैं सुना रहा हूँ, ओ लाल मेरी पत रखी हो बला। अच्छा अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा वो है, धमाल का ना। हाँ जी, अब क्या सुनाएंगे आप? भर दे झोली मेरी। अच्छा, भर दे मेरी झोली। हाँ बहुत अच्छा है ये, चलें। अच्छा, ताजदारे हरम सुना रहे हैं अब ये।
धरती सुनाता हूँ, सोनी धरती सुनाएंगे। तो दोस्तों देखें कितना अच्छा टैलेंट है ये, और ये जिस प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं, आप में से कोई भी लोग देखें तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी इनकी हेल्प करें, इनके कश्मीर है ना आपका गांव, वहाँ पहुँचने में इनकी हेल्प करें, क्योंकि ये अपने फैमिली से यहाँ पे मजबूरन रह रहे हैं। तो अगर करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। और इनका कांटेक्ट नंबर तो आपके पास कोई अभी है नहीं ना? आप ऐसे करें ना, आप अपना नंबर दे दें, कोई अगर हेल्प करेगा तो आपके पास मैं जुमेरात को आता हूँ। जुमेरात? अच्छा, हर जुमेरात को आप यहाँ आते हैं, तो ठीक है दोस्तों। देखें ये जो है, हम सबको इनकी हेल्प करनी चाहिए, और कुछ करें ना करें, इनके वहाँ इनके उनके ख़ानदान में पहुँचने का कोई इंतज़ाम कर दें तो सोचें हमें कितनी दुआएँ हासिल हो सकती हैं। तो चलें, और बाकी इनका अभी इनके पास बेचारों के पास मोबाइल कॉन्टेक्ट नंबर भी नहीं है ना। तो खैर, अगर आप में से कोई इनकी इस सिलसिले में कोई हेल्प कर सकता है, और बाकी रिस्क का तो क्या है, रिस्क तो अल्लाह ने जिसके नाम लिखा हुआ है वो हर बंदे को मिल ही जाता है, वो कोई वो नहीं है। लेकिन असल चीज़ है जो ये अपने लोगों से जुदा हुए हुए हैं मजबूरन, तो उसमें कोई अगर इनकी मदद कर सकता है तो आप ज़रूर कीजिएगा। मैं भी इनके मैं अगर मेरे लिए कुछ पॉसिबल हुआ तो मैं भी करूँगी इंशाल्लाह। तो अच्छा, बाकी ये है कि इनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, ये बता रहे हैं कि ये एवरी थर्सडे यहाँ आते हैं जिस जहाँ पे हम रहते हैं ना। तो अगर आप में से कोई इनकी इस सिलसिले में कोई हेल्प कर सकता है तो आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कीजिएगा, मेरे चैनल पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। और मैं फिर ये आएँगे नेक्स्ट सैटरडे, तो अगर इंशाल्लाह कुछ हो जाता है बंदोबस्त तो इनसे कांटेक्ट किया जा सकता है। तो चलिए अब ये आपको और भी कुछ सुनाएंगे, बता रहे हैं। जी आप और क्या सुना रहे हैं? सोनी धरती। सोनी धरती सुना रहे हैं। कहना चाहता हूँ थोड़ा सब्र करो, मैं परेशानी में हूँ जी, क्योंकि मेरा जेब किसी ने काट लिया था और मेरा शिनाख्ती कार्ड तो मैंने बनवा लिया है। अच्छा, लर्निंग लाइसेंस बनाया तो लर्निंग लाइसेंस में भी पैसे लगते हैं। हाँ, तो वो हाँ। बन जाएगा तो मैं फिर इंशाल्लाह। अच्छा, लर्निंग लाइसेंस में कितने पैसे आपको चाहिए? लर्निंग लाइसेंस मैंने बनवा लिया है, दूसरा लाइसेंस बनाने में 5,000-6,000 रुपये लगते हैं। अच्छा, 6,000-7,000 लगेंगे। हाँ। तो आप अपने गांव में पहुंच सकते हैं? हाँ, लाइसेंस बना के पहुंच सकता हूँ और 6,000-7,000 रुपये किराया लगता है। अच्छा, यानी कि 12,000 हो गए ना, 12,000-13,000। तो दोस्तों देखें, 12,000-13,000 में जो है ये एक मजबूर इंसान जो कि सिर्फ इतने से पैसों के लिए, इतने से पैसे तो हम लोग कहाँ खा पी कर ही उड़ा देते हैं 5-6 दिन में ही। तो अगर सब मिलके इनकी हेल्प करें ना तो ज़रूर कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये व्लॉग अच्छी लगी होगी। व्लॉग क्या, ये तो मुझे एक वो लग रहा है कि चलें अगर हमारी तरफ से कुछ हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, दुआओं से बढ़कर तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो इसी के साथ मैं अपनी व्लॉग का एंड करती हूँ। पाक सरजमीन सुनाता हूँ मैं आपको। जी पाक सरजमीन, पाक सरजमीन भी। अच्छा चलें, ये कह रहे हैं कि अभी मैं ये पाक सरजमीन और सुना रहे हैं, चलें इसके बाद फिर मैं अपनी व्लॉग का एंड करूँगी। जी
दोस्तों देखें यहाँ पे बहुत लोग इनकी नहीं मदद कर रहे हैं, तो आप लोग भी कोशिश करिएगा इनकी हेल्प करें। तो जी चलें। अच्छा ओके ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।